हुआ ये कि हमारे दो पत्रकार साथी हैं, अजय मेरू प्रेस क्लब के सदस्य हैं, तो हम क्लब के ही एक साथी के बारे में सूचना मिली कि उसका पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, तो वो वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे मामला कि भाई बात क्या है, क्या कौन लोग हैं, क्या है आक्रमण का ही। तो जब वो दोनों साथी हमारे, एक आनंद शर्मा जो अजय मेरू प्रेस क्लब के महासचिव भी हैं और दूसरे जो क्लब के सचिव हैं अखिलेश जैन, तो ये दोनों वहाँ पर पहुँचे। थोड़ी देर बाद ही मेरे पास फ़ोन आया कि सब उन दोनों के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी है, वहाँ पर पूरा एक भीड़ का एक पूरा रेला वहाँ पर इकट्ठा है। और जो हमारे साथी संतोष गुप्ता, उनके साथ में जिनका झगड़ा हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हंगामा कर रखा है। तो उन्होंने आनंद शर्मा और अखिलेश, जो कि खाली वहाँ पर मौका देखने गए थे, उनके साथ भी जब बेवजह मारपीट कर दी, तो हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और क्लब के साथियों के बीच में इस पर चर्चा हुई और हमने निर्णय लिया कि ये पत्रकारों पर इस तरीके से बिना वजह से हमला करने वाला, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर एक व्यावसायिक संगठन से जुड़े हुए लोग थे। मैं नहीं कहता कि उस संगठन के सारे ही लोग गुनहगार हैं, वो सारे ही लोग कल्प्रिट हैं, लेकिन जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक व्यक्तिगत मामला था, दो पड़ोसियों के बीच का मामला था, वो वहाँ पर एकत्रित होकर उन्होंने इसको बेवजह, इसको पत्रकारों के खिलाफ एक व्यावसायिक संगठन का मामला बनाने का प्रयास किया। हम भी थाने पर पहुँचे, हमारे साथी संतोष गुप्ता को थाने ले जाया गया, आनंद शर्मा और अखिलेश जैन भी वहाँ पर थाने पर पहुँचे। तो जब हमें मालूम पड़ा तो हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी थाने पर पहुँचे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ जाने के बाद पता पड़ा कि वहाँ पर वो पूरा का पूरा समूह दूसरे पक्ष का एकत्रित है और बड़े आक्रामक किस्म के अंदर गाली गलौज के साथ में वो बात कर रहे थे, पुलिस को भी धमका रहे थे और पुलिस भी न जाने क्यों बड़े दबाव की मुद्रा में थी, और हमारे साथी बिल्कुल कोने में अपराधी की तरह से बैठे थे, जबकि उनके साथ भी मारपीट हुई। क्लब के सदस्य थे जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं। तो हमने अपनी तरफ से बार बार कोशिश की कि हमारी बात भी सुनी जाए, पहले हमारी FIR लिखी जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें मालूम पड़ा कि हमारी FIR तो रखी हुई है और सामने वाले पक्ष की FIR भी दर्ज हो गई है और 151 के अंदर मामला भी दर्ज हो गया। हमने कहा कि एक तरफा आप 151 की कार्रवाई कर रहे हैं तो दोनों पक्षों से आप अंदर लॉकअप में डालिए, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद ही मालूम पड़ा कि लॉकअप में संतोष गुप्ता को डाल दिया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो हम नहीं कहते कि जिस तरीके से सामने वाले पक्ष ने आक्रामकता दिखाई या हमारे साथियों से मारपीट की, हम भी वो करें या हम भी उस स्तर पर उतरें, लेकिन चूंकि संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सामने वाले पक्ष भी जैसा कि मालूम पड़ा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें अपेक्षा ये थी कि वो एक संजीदा व्यवहार करेंगे संजीदा लोगों के साथ में, लेकिन वो नहीं हुआ, एक तरफा व्यवहार हुआ। पुलिस ने भी एक तरफा तरीके से मामले को निपटा, हमने बड़े संजीदगी से शालीनता से बात की, तो हमें बिल्कुल उपेक्षित भाव से थाने में बिठाए रखा गया। रात को 10:30 बजे तक हमने प्रयास किया कि हमारे साथी को गलत तरीके से यहाँ पर बिठाया गया, उसको किसी तरीके से रिहा कर दिया जाए, लेकिन मालूम पड़ा कि दूसरे पक्ष से उनको ये धमकी मिली है कि अगर उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया, इनकी जमानत लेनी दे दी या मेडिकल करवाया या आप किसी गाड़ी में बिठा कर ले गए तो हम तोड़फोड़ कर देंगे, हम कोर्ट में बुला के हम पीटेंगे वहाँ पर, इस तरीके के वहाँ पर धमकियाँ दी गई। हम सब लोग मौजूद थे, सामूहिक रूप से धमकी दी गई, तो ये पढ़े लिखे लोगों जैसा पढ़े लिखे लोगों के साथ व्यवहार नहीं था। मैं इसकी पूरे हमारी पत्रकार बिरादरी की तरफ से, अजय मेरू प्रेस क्लब की तरफ से, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं पत्रकारों के साथ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वकीलों को वकील सुरक्षा कानून बनाया, पत्रकारों के लिए भी शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। आज ये बैठक इसी बारे में बुलाई गई थी, सभी पत्रकारों को एकत्रित करके आज मुझे खुशी है कि अजमेर के तमाम मीडिया, जितने भी समाचार पत्र थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे, जितने भी अदर मीडियाज थे, वेब मीडिया थे, पोर्टल थे, सबके प्रतिनिधि आज इस बैठक में शामिल हुए। सबने इस घटना की समान रूप से निंदा की, भर्त्सना की और सबने ये इच्छा प्रकट की कि भविष्य में भी पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ किसी आंदोलन को रूप देंगे। आप सब लोग भी यहाँ पर आए, आप सभी का धन्यवाद। क्या ज्ञापन दिया जाएगा आज? सभी ने अंत में निर्णय लिया कि इस मामले में जिला पुलिस प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक को और IG को, और उनको ज्ञापन दिया जाएगा और जो कल घटना हुई है उसमें एक पक्षीय कार्रवाई के खिलाफ इसकी निंदा की जाएगी और मांग की जाएगी कि सब निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोनों पक्षों के विरुद्ध अगर कार्रवाई हुई तो दोनों पक्षों के विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई हो, और राज्य सरकार को एक जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा
जिसमें शीघ्र अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जाएगी। हमारे एक पत्रकार साथी संतोष गुप्ता जी का फ़ोन आया, तो मैं उन घटनाक्रम पे पहुंचा तो वहाँ कुछ एक वकील संगठन के लोग खड़े थे जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनसे मेरा इतना ही कहना था, मैंने कहा साहब ये डिवाइडर है, आप संजीदा वकील हैं, आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। तो कुछ कासुनी हो गई बीच में, तो थोड़ी झड़प हो गई। हमने शिकायत दी है और हमारी मांग है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करें। हमने सरकार से मांग करने के लिए सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करी है कि घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो। इसके लिए तो आप सभी लोग पत्रकार साथियों से निवेदन है कि राज्य स्तर पे हम तैयारी कर रहे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की, और हमारा यही है कि अब अजमेर शहर में किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना हो तो उससे पहले पुलिस पत्रकार संगठनों को अवगत कराएँ कि